किसी भी दूसरे धर्म की मान्यताओं को किसी दूसरे धर्म पर या व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता। हर आदमी अपने विचार के मुताबिक काम करने के लिए स्वतंत्र है। सूर्य नमस्कार है, सरस्वती वंदना है, या अपना वो राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम है, ये सारी चीजें हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। सूर्य नमस्कार हिंदू धर्म के, उसके अंदर ऐसी क्रियाएं और स्लोगन्स हैं जिनके जरिए से इबादत का रूप मिलता है। इस्लाम धर्म के अंदर जो है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, सूर्य की इबादत नहीं होती। हिंदू धर्म के अंदर सूर्य एक देवता के रूप में स्थापित है, उसकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। भारत राजस्थान सरकार जो है उसे धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए। इस बारे में सूर्य नमस्कार को लाजिम करार नहीं दिया जा सकता। इस बारे में भारत के उच्चतम न्यायालय, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर, गोवा हाई कोर्ट, इन सबके फैसले हैं कि किसी को सूर्य नमस्कार के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शनल है, कोई चाहे तो करे, कोई चाहे तो न करे। राजस्थान के अंदर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो 15 तारीख को बच्चे स्कूल न जाए और हम इसका बहिष्कार करें। ये तो सूर्य सप्तमी है भाई, इसे सूर्य भगवान की उत्पत्ति ही हुई है। दूसरे भाषा में कहें तो सूर्य भगवान का जन्मदिन है। हम इस बार सूर्य भगवान का जन्मदिन जोर शोर से मना रहे हैं, यानी सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो राजस्थान का हर व्यक्ति को, बच्चों को ही नहीं, हमने आह्वान किया है, निवेदन किया है कि सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य भगवान को नमस्कार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नमस्कार उस दिन करें। वो कह रहे हैं कि कोई बच्चों को स्कूल नहीं भेजे अपने को 15 तारीख के दिन। कोई भी माँ बाप स्वतंत्र है, भेजे कि नहीं भेजे, उनके बच्चे हैं। ड्रेस कोड को लेकर आपका बयान आया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी रही इस वजह से। किसकी नाराजगी? हमने तो किसी को फोर्स किया नहीं। हमने कहा शिक्षण संस्थाओं में जो तय ड्रेस है, यानी गणवेश है, वो पहनकर ही आना है। और यदि कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो ऐसे उस स्कूल में चलाया जाए जहाँ ड्रेस नहीं होती है। हमें तो ये नहीं कहा कि तुमको इन्हीं भी स्कूलों में पढ़ना जरूरी है। आप क्या कहेंगे उनसे? कह दिया कि नहीं, यही कहूंगा जो भी कहा।